चूरू में अधिकारियों ने किया नर्सरियों का निरीक्षण। डीएफओ सविता दहिया के नेतृत्व में जिले की नर्सरियों में हो रहा अच्छा काम। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में अब बढ़ेगा काले हिरणों का कुनबा। डीएफओ श्री हुड्डा ने दी जानकारी। अवैध रूप से वसूली गई राशि के मामले में अलवर के किशनगढ़वास के तत्कालीन फॉरेस्टर तदर्थ रेंजर हजारी सिंह चौहान को विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण ने 4 साल के कारावास व 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। उदयपुर के भटियानी चौट्टा क्षेत्र में बंदर के बच्चे को गोली मारने का मामला। हालांकि रेस्क्यू टीम ने बंदर को किया रेस्क्यू, करवा रहे इलाज। खबर चूरू से। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने किए सालासर बालाजी के दर्शन। इस दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर श्री सिद्धार्थ सिहाग रहे मौजूद। डीएफओ सविता दहिया ने किया मुख्य सचिव को चूरू के प्रतीक काले हिरण का स्मृति चिन्ह भेंट। राजस्थान वन विभाग की वाइल्ड स्पीशीज रेस्क्यू मोबाइल ऐप अपडेट नहीं काम कर रही। नए एंड्रॉइड सिस्टम पर डीओआईटी के सहयोग से बनाई गई थी ऐप। कालेश सदाशिवन, दीपेंद्रनाथ बसु और कृष्ण में कुंटे की टीम ने केरला से स्किपर प्रजाति की नई तितली की खोज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां एक युवक ने बाघ के मुंह में पत्थर डाल दिया और अपनी जान बचा ली। घटना के अनुसार युवक सुनील धोत्रे अपनी पत्नी व कुछ अन्य लोगों के साथ महुआ इकट्ठा करने गया, जहां वो भीड़ से अलग होकर एक नाले में पानी पीने पहुंचा। यहां एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के चक्कर में उसने अपने पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर बाघ के मुंह में डाल दिया। इस पर बाघ ने घबराकर उसे छोड़ दिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जयपुर के जगतपुरा के विद्याविहार कॉलोनी में घुसा जरक। क्षेत्रवासियों ने बड़ी मुश्किल से खदेड़ा वापस जंगल की तरफ। झलाना से जुड़ी है कॉलोनी। क्षेत्रवासी श्री रण सिंह मान ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश फिर टाइगर कंजर्वेशन पॉलिसी में निकला आगे। देश में पहली बार प्रयोग। वनराज की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे ग्रामीण बाघ रक्षक। 660 ग्रामीणों को भर्ती करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में होंगे तैनात।